रामनगर राज शिव मंदिर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास के पांचवें सोमवार पर हजारों की संख्या में डाक बम और लोकल बम कावड़ियों ने त्रिवेणी संगम वाल्मीकि नगर से जल भरकर जलाभिषेक किया। वहीं दूर दराज सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से इस महिला पुरुष बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए कतार में लगे रहे। लगभग 300 वर्ष प्राचीन रामनगर राज शिव मंदिर अपने गौरमयी आवा के लिए बिहार के दूसरे बाबा धाम के नाम से विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ के दरबार में आने वाले भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। यही कारण है कि बिहार समेत उत्तर प्रदेश और नेपाल के प्रति वर्ष लाखों की संख्या में कांवड़ियों और शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर कमेटी के संकीर्तन संघ के सौजन्य से ठहरने के साथ मुफ्त भंडारा का आयोजन किया जाता है। वहीं लोकल पैदल कांवड़ियों के लिए रात्रि विश्राम के लिए सवनी पोखरा माई स्थान पर ठहरने के साथ मुफ्त भंडारा का आयोजन किया जाता है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के हिंद सिनेमा से शिव मंदिर तक रास्ता पानी कीचड़ और गड्ढे में तब्दील होने से मंदिर पर आने जाने वालों के लिए परेशानी बढ़ गई है। इन्वेस्टर नगर परिषद रामनगर, रामनगर में शिव मंदिर परिसर में हर साल जो है सावन महीना में एक माह का बृहद मेला का आयोजन होता है। रामनगर का यह नर्मदेश्वर मंदिर दूसरे बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार से लाखों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। हजारों हजार कांवरिया वाल्मीकि नगर में जल भर करके और पैदल चल करके, जिसमें पैदल बम और डाक बम दोनों तरह के लोग होते हैं। सावन के पांचवें सोमवार पर रामनगर राज शिव मंदिर में कितने कांवरियों ने जलाभिषेक किया और क्या आस्था रहता है यहाँ? आज सावन के पांचवें सोमवारी के नगरवासियों और देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नर्मदेश्वर भगवान शिव मंदिर में हजारों लोगों ने आज जलाभिषेक किया। दूर दूर से आए हुए सारी श्रद्धालुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें।